नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे बनमन की। मोहम्मद जुबैर एवं मोहम्मद इस्ताम दोनों पर 25,000 रुपए का इनाम था। आज वो बनमन की पुलिस के गिरफ्त में। अब समाचार विस्तार से। दिनांक 22/6/24 को गुप्त सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री हुलास कुमार बंसिकी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल मिलन चौक से मुन्ना चौक जाने वाली सड़क में नहर पुल पर पहुंचकर लूट की योजना बना रहे 3 अभियुक्त को अवैध अग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ हिरासत में ले लिया गया है तथा 2 अभियुक्त भागने में सफल हो गया है। इस संबंध में बनमनखी थाना कांड संख्या 244/24 दिनांक 22/6/23 धारा 399/402 एवं 25(1)(BA)(2635) आर्म्स एक्ट 5 नामजद अभियुक्त मोहम्मद जुबैर उम्र 28 वर्ष पिता मोहम्मद सदरुल दूसरा मोहम्मद इस्ताम उम्र 24 वर्ष पिता स्वर्गीय जमरुद्दीन दोनों ग्राम बिनोवा ग्राम थाना जानकी नगर जिला पूर्णिया तीसरा मोहम्मद खुर्शीद उर्फ लद्दा उम्र करीब 30 वर्ष तेसर मोहम्मद यूनुस साकिन नया भरगमा वार्ड नंबर 5 थाना भरगमा जिला अररिया भागने में सफल रहा। चौथा अभियुक्त मोहम्मद सबीर पिता मोहम्मद रमजान साकिन हिंगवा नया भरगमा थाना भरगमा जिला अररिया एवं पांचवा अंगत यादव पिता बिंदेश्वरी यादव उर्फ कान बुच्चा उर्फ सिपाही यादव साकिन हरदेव बाबा स्थान कारी मंडल टोला जानकी नगर थाना जानकी नगर जिला पूर्णिया में दर्ज किया गया है। इन 2 अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है जिसमें मोहम्मद जुबैर मोहम्मद इस्ताम उर्फ साकिर के पास से देसी कट्टा 1 जिंदा कारतूस 3 जबकि मोहम्मद जुबैर के पास से देसी पिस्टल 1 जिंदा कारतूस 3 मोबाइल 1 TVS राइडर मोटरसाइकिल 1 बरामद हुआ है। आपको बता दें कि अभियुक्त मोहम्मद जुबैर जानकी नगर थाना कांड संख्या 43/21 दिनांक 13/3/21 धारा 392 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 99/21 दिनांक 30/6/21 को समर्पित किया गया था जबकि बनमनखी थाना कांड संख्या 70/24 जो मवेशी हाट का मामला था और 123/24 जो मुन्ना चौक का मामला था उसमें भी संलिप्त था। आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त है। अब कहीं जा करके बनमनखी थाना के प्रहरी पे लोगों का विश्वास जाग रहा है और बधाई के पात्र भी है। छापामारी दल के DIU पूर्णिया STF SOG 2 एवं STF चीता 11 के टीम है। इस छापामारी दल में बहुत बड़ा योगदान रहा पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष श्री राजकुमार चौधरी बनमनखी थाना, थाना अध्यक्ष श्री संतोष कुमार झा जानकी नगर थाना और थाना अध्यक्ष श्री मनीष चंद्र यादव सरसी थाना, पू अनी वरुण कुमार झा बनमनखी थाना, पू अनी संतोष कुमार बनमनखी थाना, पू अनी राहुल कुमार बनमनखी थाना और बनमनखी थाना रिजर्व गार्ड से घनश्याम कुमार और मोहम्मद महताब आलम आदि शामिल थे। आइए सुनते हैं हमारे बनमनखी DSP साहब हुलास कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। 22/6/2024 को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बनमनखी थाना अंतर्गत मिलन चौक से मुन्ना चौक जाने वाली सड़क के पास 4-5 अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस सूचना को पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया, उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया। उस गठित टीम के द्वारा जब घटनास्थल पर छापेमारी की गई तो 3 अभियुक्तों को अवैध अग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया एवं साथ में जो 2 इनके साथी थे उस घटनास्थल से भागने में सफल रहे। इस संबंध में बनमनखी थाना कांड संख्या 244/24 दिनांक 22/6/2024 धारा 399/402 एवं 25(1)(BA)(2635) आर्म्स एक्ट के तहत 5 नामजद अभियुक्त मोहम्मद जुबैर उम्र 28 वर्ष पिता मोहम्मद सदरुल, मोहम्मद इस्ताम उम्र 24 वर्ष पिता स्वर्गीय जमरुद्दीन दोनों ग्राम बिनोबा ग्राम थाना जानकी नगर जिला पूर्णिया, तीसरा मोहम्मद खुर्शीद उर्फ लद्दा उम्र करीब 30 वर्ष पिता मोहम्मद यूनुस नया भरगामा वार्ड नंबर 5 थाना भरगामा जिला अररिया, पांचवा अंगद यादव पिता बिंदेश्वरी यादव उर्फ कनबुच्चा उर्फ सिपाही यादव हरदेव बाबा स्थान
कारीदेव मंडल टोला जानकी नगर थाना जानकी नगर जिला पूर्णिया पर दर्ज किया गया है। इन सभी अभियुक्तों के द्वारा बनमनखी थाना अंतर्गत, दूसरा जानकी नगर थाना अंतर्गत, तीसरा पूर्णिया में सदर थाना अंतर्गत गुलाब बाग में एवं मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर स्थान में लूट की योजना बनाई गई थी। सक्रिय पुलिसिंग एवं त्वरित कार्रवाई से इन चार बड़ी लूट की घटनाओं को अंजाम होने से रोका गया है। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद जुबैर एवं मोहम्मद इस्लाम दोनों 25,000 रुपये का पूर्णिया पुलिस द्वारा इनाम घोषित किया गया है। मोहम्मद जुबैर के पास से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल, 1 TVS राइडर मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। मोहम्मद इस्लाम उर्फ साकिर के पास से 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मोहम्मद जुबैर मोहम्मद इस्लाम पूर्व आपराधिक इतिहास है, जिसमें कि 3 जानकी नगर थाना में, 2 बनमनखी थाना में लूट के अपराध में दर्ज किया गया है। जुबैर पर जानकी नगर थाना कांड संख्या 4321 धारा 392, जानकी नगर थाना कांड संख्या 4421 आर्म्स एक्ट में, जानकी नगर थाना कांड संख्या 3024392 लूट में, बनमनखी थाना कांड संख्या 7024 धारा 397 427 एवं आर्म्स एक्ट में, बनमनखी थाना कांड संख्या 123-24 धारा 394 में मोहम्मद जुबैर पर दर्ज किया गया है। दूसरा अभियुक्त मोहम्मद इस्लाम पर जानकी नगर थाना में 3 लूट की एवं बनमनखी में 2 लूट की घटना दर्ज की गई है। पहला जानकी नगर थाना कांड संख्या 4321 धारा 392 में, दूसरा जानकी नगर थाना कांड संख्या 4421 धारा 392 लूट में, तीसरा जानकी नगर थाना कांड संख्या 3024 धारा 392 लूट में, चौथा बनमनखी थाना कांड संख्या 7024 धारा 397 एवं आर्म्स एक्ट में, पांचवा बनमनखी थाना कांड संख्या 123-24 धारा 394 एवं आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया है। इस छापामारी में DIU की पूर्णिया, DIU की टीम पूर्णिया, STF SOG 2 एवं STF चीता 11 की टीम का सहयोग रहा एवं छापेमारी दल में साथ में पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष राजकुमार चौधरी बनमनखी थाना, थानाध्यक्ष जानकी नगर संतोष झा, थानाध्यक्ष सरसी मनीष चंद्र यादव, पुवनी वरुण कुमार झा बनमनखी थाना, पुवनी संतोष कुमार बनमनखी थाना, पुवनी राहुल कुमार बनमनखी थाना एवं थाना रिजर्व गार्ड के सिपाही मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद।